अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिबा मीर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल कौन से पाकिस्तानी अदाकार हाजी अकबर को अदा करने जा रहे हैं। तो मुकम्मल वीडियो को देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि हर साल काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी अदाकार ऐसे हैं जो कि हज की अदायगी के लिए जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से कोविड की वजह से ये सिलसिला रुक गया था। इस साल भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी अदाकार हज की अदायगी के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जवेरिया साउथ की, जो कि मारूफ पाकिस्तानी टेलीविजन होस्ट, अदाकारा और डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। जवेरिया साउथ इस मरतबा अपने शोहर के साथ हज की अदायगी के लिए गईं और वो इस बात पर अपनी किस्मत पर रश करती नजर आए कि वो इस साल हज अकबर की अदायगी कर सकेंगी। इनके अलावा यहाँ पर आपको बताते चलें कि मारूफ पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर भी इस साल हज की अदायगी करेंगे। इन्होंने अपनी खूबसूरत सी वीडियो शेयर की जिसमें इन्होंने बताया कि वो मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके हैं और वो इस बात पर बेइंतहा खुश हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें हज अकबर की अदायगी का मौका दिया। मारूफ पाकिस्तानी सियासतदान और सोशल मीडिया स्टार शर्मिला फ़ारूकी भी इस बार हज अकबर की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया पहुंच चुकी हैं और इन्होंने सऊदी अरेबिया से जाकर अपनी खूबसूरत सी तस्वीर को अपने फैंस के साथ शेयर किया, जिन्हें अवाम ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इन सब के अलावा यहाँ पर आपको बताते चलेंगे मारूफ पाकिस्तानी टेलीविजन होस्ट और न्यूज़ एंकर वसीम बदामी भी इस बार हज अकबर की अदायगी के लिए मक्का मुकर्मा पहुँच चुके हैं और इन्होंने मक्का मुकर्मा से अपनी जो वीडियो शेयर की है, आए वो देखते हैं। दुआओं में याद रखना, अभी बस मेरे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बस इस सफर का आगाज हो रहा है, बड़े मुबारक सफर का, हज के सफर का इंशाल्लाह। अभी जैसे फ्लाइट डिले है और ट्रांजिट बहुत कम है तो मेरा टेंशन में हूँ, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, लेट्स सी। तो आज की वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।